हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ में कई बातें करते करते आज एक बहुत ही कॉमन सी बात पे हम लोग वापस विचार करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर रिमी शेखावत, प्लाक को कैसे बचा जाए। अक्सर हम जब कभी बात करते हैं तो हमें अलग से कई व्यक्तित्व सामने, कुछ पर्सनालिटीज़ हैं हमारे सामने, बॉलीवुड कैरेक्टर्स होते हैं हमारे सामने, हमारे लीडर्स होते हैं जिनके बहुत ही कॉन्फिडेंट एक मुस्कुराहट होती है चेहरे पे। अक्सर आपने उनके बड़े बड़े पोस्टर्स देखे होंगे, उनके बिल्कुल सफ़ेद चमकते हुए दाँत दिखते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि अरे उसके दाँत मेरे दाँत से ज़्यादा सफ़ेद कैसे। तो सफ़ेदी का सबसे बड़ा कारण दाँतों में तभी हो सकता है जब आप शुरुआती स्टेज पे प्लाक को कंट्रोल कर सके। प्लाक क्या होता है? प्लाक वो होता है जैसे अक्सर आप मुंह के अंदर हल्का सा, अगर काफ़ी वक्त बाद में कुछ खाते हैं या कई बार आप ब्रश करने में देरी कर देते हैं तो आपको एक फ्रेशनेस फील नहीं आती है, आपको हमेशा कुछ चिपचिपी चीज़ अपने दांतों और मसूड़ों के बीच में चिपकी हुई सी फील होती है। जब आप अपनी जीभ फेरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ जमा हुआ है दांतों पे। तो ये जो प्लाक होता है ये अक्सर बनता कैसे है? मुंह के जो बैक्टीरियाज हैं, आप जो भी भोजन करते हैं, जो भी आप पेय पदार्थ लेते हैं, वो जब आपके मुंह में जाते हैं तो वो बैक्टीरियाज उनको हज़म करने के लिए, उसको चबाने के अंदर हेल्प करते हैं, और जब वो हज़म होते हैं तो उनके फ्लो के अंदर सलाइवा एक्ट करता है। अगर किसी वजह से, कोई भी वजह है जिसकी वजह से अगर सलाइवा या अपना लार या हमारे बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या सलाइवा सूखने लगता है तो ये प्लाक की एक लेयर आपके दांत और मसूड़ों के बीच में जमने लगती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डेंटिस्ट से मिलने से पहले अगर आपको ये एक प्रॉब्लम है तो हम उसे घरेलू तरीके से कैसे दूर कर सकते हैं। या शुरुआती में ही अगर आपको फील होता है कि आपके मुंह में फ्रेशनेस नहीं रहती, बदबू आती है, तो आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका बहुत ही सिंपल है, जो कि है नींबू। नींबू पानी विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। तो नींबू जो है वो, या फिर वाइट विनेगर, दोनों ही, जो कि सफ़ेद सिरका होता है, दोनों जो आपके पास में ऑप्शंस घर में मौजूद हैं उसे थोड़ा डाइल्यूट करके, यानी कि आप उसमें जितना नींबू लेते हैं या सिरका लेते हैं उसका 1/4 भाग लीजिए और उसके अंदर 2 गुना पानी मिलाइए और आप उसको कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए मुँह के अंदर अच्छी तरह से कुल्ला करें। स्पेशली अगर ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया अगर आप रात में सोने से पहले करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि रात में जब हम 6 से 7 घंटे सोते हैं तो मुंह में, क्योंकि सलाइवा का फ्लो नहीं होता है जो कि एक सबसे बड़ा क्लेंजिंग एक्शन है, तो प्लाक या टाटर या कैविटी होने की भी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो तरीका है, ये जो नुस्खा है, अगर हमने रात में सोने से पहले किया आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप हर दिन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, सप्ताह में 2 बार आप कर सकते हैं, या जिस दिन आपने गरिष्ठ खाना खाया है, डिनर आपने हैवी लिया, तब तो आपको ज़रूर करना ही चाहिए। दूसरा उपाय जो है वो बहुत ही कॉमनली हमने जैसे देखा है कि हमारी नानी दादी भी कहा करती थी कि नमक और सेंधा नमक, स्पेशली सेंधा नमक और सरसों का तेल। सरसों का तेल जो वैसे अब हमें कई बार ऐसा लगता है कि पीलापन लेके आएगा, पर उसे सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट के साथ में, या इवन आजकल हिमालयन सॉल्ट आता है उसके साथ में बहुत ही अच्छा पिसावा, उसके साथ में एक अगर आप पेस्ट बनाते हैं और हल्के हाथों से उसको करते हैं तो उसके साथ में उसकी वजह से प्लाक तो कंट्रोल होगा ही, साथ ही में आपके मसूड़े भी बहुत स्वस्थ रहेंगे। जो कि ये बहुत पुराना, हमारे कई ज़माने से चलता हुआ ये ट्रीटमेंट है। तीसरा, जैसे नीम के दातून या नीम की पत्ती चबाना, जो कि हमारे, आपने जो थोड़ा सा पुराने जिनके नाना नानी दादा दादी बताते रहे होंगे, तो नीम जो है इट्सेल्फ में बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, प्लस जब हम उसे चबाते हैं तो चबाने के टाइम पर दातून को आपके मुँह में सलाइवा बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, तो सलाइवा बनता है तो ऑटोमेटिकली जो मुँह के अंदर कुछ भी जमावट होगी वो उसी के साथ में, जो आप चबाएंगे उसी एक्शन के साथ में वो दूर हो जाएगा। थर्ड थिंग, जो कि बहुत पुराना, पुरातन काल से चला आ रहा है, जैसे कि जड़ी बूटियाँ होती थी उस ज़माने में, मिसवाक होता था और लौंग होता था और कई तरह की चीज़ें,
चौथी चीज़ जो है बहुत ही कॉमनली आप जो कर सकते हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो अपने गंवार पाठा है उसकी लीव्स में से आप फ्रेश लें तो वो और भी अच्छा रहेगा। लीव्स में से अगर आप उसकी गूदा निकालते हैं, जो कि अक्सर गृहिणियाँ और घरेलू तरीके से तो हम लोग फेस पैक के अंदर या हेयर पैक के अंदर उसमें तो हम यूज़ करते ही हैं। एलोवेरा खाने में भी बहुत पौष्टिक होता है और काफ़ी गुणकारी होता है। उसकी जो जेल है, फ्रेश जेल है, उसे उसमें अगर आप थोड़ा सा ग्लिसरीन मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा उनको दोनों को मिक्स करके उसमें हल्का सा नींबू की 2 ड्रॉप्स भी या शहद की 2 ड्रॉप्स भी मिक्स करके और फिर आप अपने मालिश करते हैं उसकी, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा प्लाक अवरोधी एक मीडियम है। तो वो एक अपने पास में एक बहुत अच्छा तरीका है। एक और गुणकारी तरीका है जो कि नींबू, जो कि निचोड़ा हुआ नींबू हो या ऑरेंजेस और लेमन दोनों का पील यानी कि छिलका, उस छिलके को अगर आप, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है, उसे अगर अपन दांत पे रगड़ेंगे, मसाज करेंगे अंदर बाहर, तो वो भी प्लाक को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अक्सर घरों में देखा जाता है कि जब हमारे जब संयुक्त परिवार होते थे तो जब हम शाम के वक्त खाने के लिए बैठते थे तो हमेशा दाल एक कॉमन चीज़ होती है जो हम रात्रि में खाते हैं, मूंग की दाल, उसके साथ में आपको अक्सर एक नींबू का टुकड़ा मिलता है कि उसको उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो नींबू निचोड़ने के बाद अक्सर हमने देखा कि हमने हमारा जो लास्ट में जो छिलका बचता है उसे वो आप दांतों के ऊपर साफ़ करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग साफ़ करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही कॉमन तरीका होता था जिससे कि उन्हें, उस ज़माने में खैर डेंटिस्ट वैसे ही नहीं हुआ करते थे तो उन्हें अक्सर किसी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं मुंह के अंदर, अगर वो नींबू के जो अम्ल है, एसिडिक नेचर है, जो उसके साथ में जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो स्वतः वो उनका जो चिपचिपापन है या उनका जो प्लाक डिपॉजिटिंग एक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। लास्टली, जैसे जो भी विटामिन सी से भरपूर फल है उसका सेवन करना तो लाभदायक होता ही है, पर जैसे टमाटर है, उसके अलावा जैसे अपने ये स्ट्रॉबेरीज हैं, चेरीज हैं, ऑरेंजेस हैं, इनका जैसे गूदा है वो या पल्प है, तो वो आप लेके अगर आप मालिश करते हैं मुंह के ऊपर और मसूड़ों पे और दांतों के ऊपर तो वो भी प्लाक को साफ़ करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल से तरीके हैं जो मैंने आज आपके साथ में शेयर करे हैं। अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहेंगे तो आपकी जो पर्ल वाइट, एकदम जो मोती जैसी चमकती हुई मुस्कान है वो बरकरार रहेगी और आपको अपने डेंटिस्ट के पास में लगातार जाना, जो आपको बहुत ही पीड़ादायक फील होता है वो भी, उसका भी रोकथाम करेगी। तो फ्रेंड्स, और किसी और आपको जानकारी के लिए कि प्लाक का टार्टर में कैसे डिपॉजिट होता है, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, या प्लाक अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे कैसे लेना, हमारे पास में काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप उसे देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरीज हो हम इन सभी से रिलेटेड तो हमें बेहिचक संपर्क करिए। थैंक यू।